स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं शशि प्रिया। विधानसभा चुनाव 2019 को लेकर बिगुल बजने वाला है और तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। तमाम जो पार्टियां हैं वो जुटी हुई हैं तैयारियों में। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या निरहुआ जो लोकसभा चुनाव आजमगढ़ से हार गए, अब उन्हें एक बार फिर से विधानसभा में मौका मिल सकता है? इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और क्या वहां से जीत सकते हैं और किसका किसका फायदा निरहुआ को मिल सकता है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी। बहुत बहुत स्वागत है अमन जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। अमन जी, जिस तरीके से तस्वीरें उभर कर सामने आ रही है, लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी निरहुआ का जो मनोबल है वो कम नहीं हुआ है, एक बार फिर से अगली जीत की तैयारी में है। देखिए, बिल्कुल निरहुआ की अगर बात करें आप तो सही बात है, आजमगढ़ से जिस तरह चुनाव लड़ा, पूरे जोश और खरोश के साथ में उन्होंने चुनाव लड़ते हुए नजर आए और बड़ा बिंदास होकर उन्होंने इलेक्शन कैंपेनिंग अपनी की। और ऐसा माना जा रहा था एक समय तक कि वो बहुत कड़ी चुनौती देंगे अखिलेश के सामने, क्योंकि पहली बार इलेक्शन लड़ रहे थे निरहुआ और जमीनी स्तर पर एक अलग तरह के माहौल में जाकर वो अपने आप को सेट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन देखिए, जिस तरह से सपा और बसपा का गठबंधन था उसके आगे निरहुआ बेबस नजर आए। लेकिन अब चूंकि हालांकि ये कोई ऑथेंटिक खबर नहीं है या हम पुष्टि नहीं कर रहे इस खबर की कि निरहुआ विधानसभा जो उपचुनाव यूपी में होने वाले हैं उसमें लड़ेंगे ही लड़ेंगे, लेकिन हाँ, अगर एक स्थिति बनी, जैसा कि हम अगर थोड़ा सा गौर करें कि रामपुर से जिक्र आ रहा है कि जो आजम खान की सीट वहाँ से खाली हुई है वो एमपी बने हैं, उस विधानसभा सीट से जो है डिंपल का नाम आ रहा है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से वहाँ पर जयप्रदा का नाम भी सामने आ रहा है। तो ये कयास लगने की शुरुआत हो गई है कि क्या अगर जयप्रदा जो लोकसभा चुनाव हारी हैं अगर वो चुनाव में उतर सकती हैं पार्टी के टिकट पर, तो क्या निरहुआ को भी मौका दिया जा सकता है कि भाई वो भी तो वहाँ से अच्छी खासी फाइट किए हारे हैं, तो ऐसे में क्या उनको कोई सीट मिल सकती है 11-12 जो सीट पे इलेक्शन होने वाला है? तो ये एक बड़ा सवाल सबके सामने बना हुआ है और लगातार निरहुआ एक्टिव भी है। जरा आप देखिए कि वो न सिर्फ ट्वीट कर रहे हैं बल्कि 370 पे भी वो लगातार अपनी बात रख रहे हैं, तो ये बताता है जताता है कि अभी उनका पॉलिटिक्स जो इंटरेस्ट है वो खत्म नहीं हुआ है, वो बरकरार उसको रखना चाहते हैं और लगातार वो पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं। बिल्कुल, पार्टी के लिए काम करने की बात आपने बिल्कुल सही कही है अमन, क्योंकि पिछले दिनों ये भी खबर मिली थी कि निरहुआ चुपचाप से आजमगढ़ निकल गए थे और आजमगढ़ को लेकर उन्होंने स्मृति ईरानी से भी बातचीत की थी और ये खबर हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी। देखिए बिल्कुल, मैं थोड़ा सा रोक कर यहाँ पे बात करना चाह रहा हूँ। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मसला दरअसल उठाया ये कि आजमगढ़ से हारते हैं निरहुआ और फिर भी उस क्षेत्र के लिए बात करते हैं। जरा थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए कि जहाँ राहुल गांधी ने अमेठी में स्मृति ईरानी को हराया था, उसी अमेठी में लगातार स्मृति ईरानी काम करती रही और उसका फायदा क्या हुआ कि अगले साल आपको वहां से जीत का तोहफा मिला। तो निरहुआ भी वही राजनीति मेरे ख्याल से करने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छी चीज भी है ये सच्ची, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। और ये अच्छी कोशिश में कहूंगा, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स में कहूंगा कि अगर आपको जनता ने सपोर्ट नहीं भी किया तो भी आप उसके लिए लगे हुए काम कुछ करा रहे हैं ताकि एक कड़वाहट आपके अंदर नहीं है, आपके अंदर प्यार मोहब्बत है उस जनता से। ठीक है, आपने मुझे नहीं चुना तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपना काम जारी करना रखूंगा, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं हो गई है, मेरे कल भी आप अपने थे और आज ही मेरे अपने। और ये जो सोच है मैं हमेशा इसका कायल रहा हूं कि जो भी सोच के साथ आगे बढ़ा है जनता ने उसको सर आंखों में बिठाया है। बिल्कुल, और इसी तरीके की सोच के साथ लगातार निरहुआ बढ़ रहे हैं। और आपको हम एक और जानकारी दे देते हैं कि निरहुआ अपनी फिल्म की शूटिंग भी आजमगढ़ से कर रहे हैं और उनकी फिल्म का नाम है लीडर और ये भी कार्यक्रम हमने दिखाया, तो ये कहीं ना कहीं तमाम चीजें वही लेकर जा रही है उन्होंने। हाँ बिल्कुल शशि, उन्होंने पहले भी कहा था चीज को कि अगर मैं जीतता हूं तो आजमगढ़ को मैं बहुत बड़ी एक भोजपुरी जो शूटिंग है उसका स्थान में बनाऊंगा, यहां पर मैं बहुत सारे काम करूंगा। सही आपने याद दिलाया कि वो अपनी फिल्म की शूटिंग वहां पर करके संदेश देना चाहते हैं कि भाई मेरा मन उबा नहीं आजमगढ़ से, मैं आपके साथ खड़ा हूं, जिस भी लेवल पे आपको मेरी जरूरत होगी मैं आपके लिए खड़ा हूं, अगर मुझे मंत्रियों से भी बात करने पड़े चाहे वो स्मृति ईरानी हो या कोई भी हो मैं उनसे बात करूंगा और जरूर यहां पर अगर कोई विकास कार्य रुका हुआ है तो मैं उसको करूंगा, पूरा करूंगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है, भाई पॉलिटिक्स में सबसे खूबसूरत चीज यही होती है कि आप को अगर जनता ने नकारा भी है फिर भी आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए उस क्षेत्र में जाते हैं। आप सिर्फ हवाई नेता नहीं है कि आप आए 6 महीने 4 महीने 3 महीने प्रचार प्रसार किया, अगर आप हार गए तो फिर वापस चले जाए, नहीं, अगर आपको हराया है तो आपको सबक मिला है कि मुझे क्षेत्र में और ज्यादा काम करना चाहिए, लोगों से और ज्यादा मिलना चाहिए। और ये निरहुआ कर रहे हैं, मेरे ख्याल से बहुत ही पॉजिटिव सोच है और भी नेताओं को जो खासकर हार गए हैं उनको सबक लेना चाहिए कि कैसे जो जनता का प्यार उनसे टूटा है उसको कैसे वो दोबारा जिंदा करें, दोबारा उसके साथ में अपनी जो है
चीज़ों को आगे बढ़ाए, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। निरहुआ इसका बेस्ट एग्जाम्पल बनते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। आपने अभी बात जी कही कि वो केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करें, तो इसी कड़ी में उन्होंने स्मृति ईरानी से मुलाकात की थी और हारने के बावजूद उन्होंने वहां पर रेल लाइन बिछाने की बात कही थी क्योंकि वहां के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये एक पॉजिटिव सोच है आशा जी, क्योंकि जरा आप देखिए जब वो वहां पर घूमे होंगे, लोगों से बात की होगी, तो हो सकता है ये मुद्दा उनके सामने आया हो कि भाई हमारे यहाँ पर जो है रेल की सुविधाएं बेहतर नहीं है, क्या हम इसको बेहतर कर सकते हैं, क्या प्लीज आप हमारी मदद कर सकते हैं। लेकिन देखिए वो हारने के बावजूद बात करते हैं और ये बड़ी बात है, सही बात है, मैं भी इसका कायल हूँ और ये चीज़ें हमेशा होनी चाहिए कि हम हार जीत से लोगों का वो तय ना करें बल्कि हम अपने काम से तय करें। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो जाहिर सी बात है अगले साल अगली बार जब चुनाव हो शायद आपको प्रचार भी ना करना पड़े, तो ये अच्छी चीज़ है। और अब जो बात उठ रही है शशि, पहले से जमीन तैयार कर रहे हैं निरहुआ, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है और हम भी अनुमान ही लगा रहे हैं अमन जी जी। और जो तस्वीरें इस वक्त निकल कर आई है, जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी बता रहे हैं कि हो सकता है, ये कयास लगाए जा रहे हैं, जब जयाप्रदा आ सकती है सामने तो फिर निरहुआ क्यों नहीं, निरहुआ के बारे में भी यही कहा जा रहा है। और निरहुआ का जरा देख लीजिए कि कितना उन्होंने वहां की जनता का ख्याल रखा है। आजमगढ़ में फिल्म शूटिंग करने से वहां के लोग जो बेरोजगार होंगे उन्हें फायदा भी पहुंचेगा, बहुत सारे काम मिलेंगे, तो ये तमाम बातें हैं और वहां की सरकार को भी फायदा होगा। जाहिर सी बात है, यूपी सरकार की बात करें तो योगी खुद चाहेंगे कि उनके टीम में निरहुआ शामिल हो क्योंकि बड़े उत्साहित हैं और हर मुद्दे पे बात करते हैं। धारा 370 पे भी उन्होंने बात की और ये दिखाता है कितना एक्टिव है वो आजकल पॉलिटिक्स में। और अगर उनको विधानसभा चुनाव में उतारा जाता तो मैं तो कहता हूँ कोई हर्ज की बात नहीं है, क्योंकि अगर एक चेहरा एक जो फिल्म स्टार है अगर वो लोकसभा ना सही तो विधानसभा में अगर जाकर अगर लोगों की बात बन सकते हैं, लोगों की एक बात रखने के का जरिया बन सकते हैं, तो ज़रूर उनको जाना चाहिए, ज़रूर उनको पार्टी को भी लड़ाना चाहिए, क्योंकि हमेशा देखा गया है कि निरहुआ लगातार लोगों के विकास के लिए, लोगों के जो आगे बढ़ाने के लिए खड़े रहते हैं, तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि पार्टी ऐसा कुछ अनाउंस करे, हालांकि ऐसा कोई पुख्ता जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन चूंकि जिस तरह से वो एक्टिव है, जिस तरह से अनुमान लगा रहे हैं, जिस तरह से वो लगातार सोशल मीडिया पर जो है मुद्दों को रख रहे हैं, तो ये जरूर दर्शा रहा है कि वो कहीं ना कहीं राजनीति से, क्योंकि अमूमन देखा हमने कि जो भी अगर फिल्म स्टार अगर वो फिल्म वो चुनाव में हार गए तो वापस अपनी फिल्मी दुनिया में चले जाते हैं, फिर कोई मतलब नहीं रहता। इवन यहाँ तक कहा जाता है कि जो लोग जीत जाते हैं उनको भी मतलब नहीं रहता, वो वापस चले जाते हैं। लेकिन अगर निरहुआ हार कर भी यहाँ पर डटे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि वो आने वाले दिनों की प्लानिंग कर रहे हैं, और वो क्या प्लानिंग विधानसभा की है, थोड़ा सा हमें मेरे ख्याल से वेट भी करना चाहिए इसको लेकर। बिल्कुल बिल्कुल वेट तो करना चाहिए, लेकिन जो बातें अभी निकल कर आ रही है राजनीतिक गलियारे में, बस यही है कि जिस स्तर पर निरहुआ लगे हुए हैं, क्या कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि निरहुआ लगातार आजमगढ़ के दौरे पर रह रहे हैं और लगातार वहां की जनता से मुखातिब हो रहे हैं, वहां के दुख दर्द को जानना चाह रहे हैं। ये एक बड़ी पॉजिटिविटी सामने आई है कि कितने ज्यादा वो पॉजिटिव है इस बात को लेकर कि भैया हम हारे या जीते, लेकिन दुनिया का और जो जनता है हमारी और जनता का दिल जीतना बड़ा जरूरी, तो जनता का दिल जीतने की पूरी पूरी कोशिश करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, फिल्मों के जरिए तो वो अब तक अपने दर्शकों को बांधे हुए थे ही, पूर्वांचल और खासकर बिहार का जो वर्ग है भोजपुरी बोलने वाला, उनके बीच तो उनकी लोकप्रियता किसी से छुपी नहीं है, लगातार वो बड़ी बड़ी हिट फिल्में दे रहे हैं। और जाहिर बात है कि इसी को लेकर शायद वो चुनाव में आए भी कि लोग मुझे ज़्यादा पहचानते हैं, चलो पॉलिटिक्स के जरिए लोगों की मदद की जाए, लोगों का जो विकास की उनसे उम्मीद करना उसको आगे बढ़ाया जाए, इसी नाते वो पॉलिटिक्स में आए भी। हालांकि देखिए हार जीत दो पक्ष हैं, मैं तो ये देखता हूँ कि अगर आप हार गए तो सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, यानी आपने ट्राई किया, अगर वो असफल हो गए मतलब ये नहीं कि आप आने वाले दिनों में वो चीज़ खत्म कर देंगे। लाइक मैं इसका एग्जाम्पल इसीलिए बार बार अमेठी का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि स्मृति ईरानी को लोगों ने चुका हुआ मान लिया, 2-3 इलेक्शन हार गई, क्या होगा नहीं होगा, सिद्धू ने तक कह दिया कि वहां से अगर वो हार गई तो मैं जीत गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, तमाम सारी बातें हैं। लेकिन देखिए बहुत सारी बातें वो खामोशी के साथ में लगी रही और अंततः उन्होंने बड़ी फतेह हासिल की, राहुल गांधी को हराना मेरे ख्याल में कोई छोटा मोटा बात नहीं उनके गढ़ में, तो ये जाहिर बताता है कि हो सकता है स्मृति ईरानी ने भी उनको ये बात कही हो कि भाई आप भी अपने क्षेत्र में लगातार लगे रहिए, आज नहीं तो कल आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। और अब जिस तरह की जो कयासों का दौर शुरू हो रहा है, निरहुआ की बार बार आजमगढ़ जा रहे हैं और वहां की जनता से जिस तरीके से मुलाकात कर रहे हैं, ये तमाम चीजें यही कह रही हैं कि निरहुआ हो सकता है कि होने वाले विधानसभा चुनाव में भी किस्मत आजमाए, क्योंकि जिस तरीके से वो
फिल्में बना रहे हैं, यानी अपनी एक जो छवि है वो इस तरीके की वो बना चुके हैं, और फिल्म का भी नाम रखा है लीडर। लीडर, बिल्कुल, मैं उसी बात पे आने की कोशिश कर रहा था अभी, क्योंकि लीडर दरअसल एक नेताओं पे का सिंबल है कि लीडर है, नेता है, तो जाहिर बात है कहीं ना कहीं उसमें इस तरह की जरूर चीज़ें उन्होंने रखी होंगी जो जनता से जुड़ाव वाली चीज़ें हों, या जनता से उसके जरिए जुड़ना चाहते हो, अपनी बात रखना चाहते हो, तो जाहिर बात है कहीं ना कहीं जो उनका आने वाला जो विजन है बड़ा क्लियर है कि मुझे शायद आने वाले दिनों में पॉलिटिक्स ही करनी है, राजनीति में अपने आप को आगे बढ़ाना है, इसीलिए वो तमाम चीज़ों में इन्वॉल्व भी हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, उन पर काम भी कर रहे हैं, भले जीते ना हो लेकिन कहीं ना कहीं उन चीज़ों को फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब जबकि चूंकि कयास लगना शुरू हो रहे हैं कि क्या विधानसभा में वो चुनाव लड़ेंगे, अगर लड़ते हैं जीतते हैं तो मेरे ख्याल में ये एक और खुशी की बात हुई कम से कम कि चलिए लोकसभा नहीं पहुंचे तो कम से कम विधानसभा पहुंच कर वो बहुत सारी चीज़ों को रख सकते हैं, और यूपी में तमाम जो जगह जहाँ से वो लड़ेंगे उस क्षेत्र की समस्याओं को सामने रख सकते हैं और आने वाले लोकसभा के लिए अपनी तैयारी कर सकते हैं, तो ये एक अच्छा उनके लिए बड़ी तैयारी में नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी बेहतर जानकारी देने के लिए, क्योंकि पूर्वांचल में निरहुआ को लोग बहुत पसंद करते हैं और निरहुआ है भी ऐसे ही लोगों का दिल जीतने में मास्टर। और एक बार फिर से उनकी जो फिल्म आ रही है वो भी हो सकता है कि धमाल मचाए, क्योंकि वो आजमगढ़ और उसके आसपास के इलाकों में जो पर्यटन क्षेत्र है वहां पर उसकी शूटिंग होगी और इस फिल्म की खूबसूरती देखकर आप दंग रह जाएंगे। तो फिलहाल हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी को दीजिए इजाजत और मुझे भी, आप को ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा इस पर दें अपने सुझाव और हमें बताएं कि निरहुआ क्या वाकई में एक नई तैयारी में है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।